तुम लोगों को खुदा और खुरमा दोनों चाहिए। कूफे के मुअज्जिज़ीन में से हो, कूफे वाले तुम्हें मानते हैं। तुम इब्न वहाब, तुम अबू मूसा अशरी, अशस्किंदी, मुझे साफ साफ बता दें, मेरे साथ हो या शेख के? अगर शेख के साथ हो तो खलीफा के मुखालिफ हो, अगर मेरे साथ हो तो खलीफा के साथ हो। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे और शेख के इख्तिलाफात में मैं बेतरफ हूं। अबू मूसा अशअरी और बेतरफी? मुसलमान की बदतरीन खसलत बेतरफी है। हर मुनाजिरे के दो पहलू होते हैं, एक हक और एक बातिल। जो हक के साथ नहीं वो मुसलमान नहीं। तुम और शेख दोनों बातिल हो, न तुम हक पर चल रहे हो न शेख। तुम दोनों फासिक हो, कूफे को तबाह कर रहे हो। तुम क्या कहते हो अबू मूसा? कूफे के परहेजगारों में से हो, क्या तुम भी इब्न वहाब की ताईद करते हो? सारी रात मैंने तुम्हारे और शेख के इख्तिलाफ पर गौर किया। तुम दोनों का इख्तिलाफ दुनियावी मुकाम और माल के लिए है। मैं दुनियावी मुआमलात में मुदाखलत पसंद नहीं करता। तुम क्या कहते हो अशस? रुकोगे या तुम भी जाओगे? तुम अमीरे कूफा हो वलीद, कहते हो तो रुकता हूं या चला जाता हूं। तुम्हारी मर्जी है, रुको या चले जाओ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं वलीद, तुम्हारे हुक्म से आया हूं। अगर कहोगे तो चला जाऊंगा। मैं कहता हूं कि तुम रुक जाओ। मेरे रुकने की भी शर्त होगी, अबू मूसा की बात को मैं भी कबूल करता हूं। शेख को रियासत चाहिए और वली तुम्हें माल। मैं भी उसी के साथ रहूंगा जिससे मुझे माल मिले, और वली ये लोग भी वही चाहते हैं। अच्छी बात है। लो, आओ बयात करो। राय अबू ज़ुबैद, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है वलीद। एक मस्जिद में तीन तीन जमातें। ना हो तो खलीफा जिम्मेदार है। अमीर कूफा की मुखालिफत में कूफा गिरोहों में बट जाएगा। इस गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा? रोज रोशन की तरह वाजे है। शेख रसूल खुदा के सहाबी और उनके खादिम थे। वलीद क्या था? कुरान की रूह से फासिख है। हम फासिख की इख्तिदा किस तरह करेंगे? उधर अबू मूसा अशअरी हक को छिपा रहे हैं। उमूर मुस्लिमीन में बेतरफी गुनाह है। खलीफा कूफे की हालात से वाकिफ नहीं है। शेख चाहते हैं खलीफा को कूफे की हालात से बाखबर करें। बेतरफ नहीं हो सकता। क्या बात है? इस गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा? ये तीन जमातों का भेद क्या है? जो दीन और दुनिया दोनों चाहते हैं वो वलीद की इक्तदा में है। जो बेतरफ और तारीख दुनिया है वह अबू मूसा अशअरी की इक्तदा में है। जिन्हें ना दुनिया ना आखरत चाहिए वो शेख कूफा की इक्तदा में है, जो अभी तक आए नहीं है। तुम जो जहन्नुमी और बैत शिकन ठहरे, खुद अपनी इक्तदा करो। बस कर बेदीन।
ختام، تم شیخ کی اقتدا کرو گی یا ولید کی؟ ولید کتنا سخت جان ہے بانو، میں سمجھی کہ وہ میرے کل کے وار سے مر چکا ہوگا۔ مرد عورت کے وار سے مرتا نہیں، اسیر ہو جاتا ہے۔ آؤ آؤ نا، دیکھو تو کیا حال بنایا ہے تم نے ولید کا۔ اتنی اکڑ نہ دکھاؤ بیٹی، میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا طوفان ہے۔ ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے۔ شیخ، یہ کیسی بدعت ہے؟ خدا کے گھر میں ایک محراب ہے جو ولید نے غصب کر رکھا ہے، ابو موسیٰ اشعری بے طرفیوں کی امامت کر رہے ہیں، تم بھی امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک مسجد میں کتنی جماعتیں ہوں گی؟ مستحب ہے کہ ایک ہی امام جماعت ہو۔ یہ گروہ بندی دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ کعبے میں ہر قوم ایک الگ بت کی پرستش کرتی تھی، جس بت پر زیادہ زیورات چڑھائے جاتے تھے وہ زیادہ باعث فقر تھا۔ کوفہ بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ نماز پڑھنا اس مسجد میں حرام ہے۔ میں سمجھ نہ سکا مالک، یہ باپ بیٹی کس قدر فتنہ پرور ہیں۔ خدایا اس فتنہ پرور قوم کی ہدایت فرما۔ بت کی اقتدا کریں، جماعت کی نیت نہ کرو۔ ہمارا سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے، نہ ولید کے لیے۔ ولید قومی تعصب کو زندہ کر کے کوفے کے قبائل کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ اگر ابو موسیٰ اشعری کو ولید کی نیت کا پتا ہے تو وہ ریاست طلب ہے، ورنہ احمق ہے۔ ولید کی اقتدا کر کے اس کے مکر و فریب کو ہم نے اسی کی طرف پلٹا دیا ہے۔ جنہیں شیخ پر اعتقاد ہے ولید کی اقتدا کریں۔ فتنے کا بیج تم نے بویا ہے ابن مسعود۔ ہاں، کوفے کے مسلمانوں میں یہ تفرقہ تم نے ڈالا ہے۔ کل تک تو تم ولید کی نالائقی کا اعلان کر رہے تھے، آج اسی کی اقتدا کر رہے ہو۔ ولید نے تمہیں بھی خرید لیا۔ ابو موسیٰ،
समझते हो कि हमारा इख्तिलाफ दुनिया के लिए है। ऐलान तुमने किया था कि दुनियावी मामलात में मुदाखलत नहीं करोगे, अपने अकीदे पर कायम रहो। अगर वलीद के साथ मैं मुसालहत कर लूं तो क्या खताकार हूं? गुनाहगार हो तुम, गुनाहगार। तुमने वलीद की इक्तदा करके अपने पिछले कौल को झुठला दिया। जब तुम्हें यकीन नहीं तो एक मुसलमान पर तोहमत लगाई और उसे बदनाम किया। मैंने इनकार कहां किया? जिसने भी मेरी जबानी वलीद के मुतालिक सुना है वो हकीकत है। फिर ऐसी सूरत में इसकी इक्तदा जायज नहीं। इक्तदा न करूं तो गुनाह है। तुम दीवाने हो, तुम भोले हो अबू मूसा, जल्दी फिसल जाते हो। कहीं अपने ईमान को न बेच देना। देखा अबू जुबैद, जब तक शेख रहेगा हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। ध्यान रखना कहीं नमाज कम से ज्यादा न पढ़ा दूं। Allah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Qad qamat al-salah, qad qamat al-salah. नहीं वरदान, जब तक शेख कूफे में होंगे हमारा मकसद हासिल नहीं हो सकता। देखा नहीं उनके कहने से अजदियों ने हथियार डाल दिए। अगर शेख के कासिद ने हमारे इख्तिलाफ की खबर अली तक पहुंचा दी और अगर अली ने मुदाखलत कर दी, हमें बिस्तर बांधना पड़ जाएगा। कूफे का दरवाजा बंद कर दो वरदान, ताकि शेख का खासिद निकलने ना पाए। इस अबा कुदाम का क्या करें? आए दिन फितना अंगेज फतवे जारी करता है। जो अपने अकीदे को ज्यादा जाहिर करता है उससे मत डरो। अबा कुदाम खुद अपना दुश्मन है, उससे छेड़ना नहीं वरदान। चौकस रहो कि शेख का कासिद निकलने न पाए। क्या हो गया था? शक में इतनी सारी नमाजें पढ़ा दी वलीद, जिस मेहराब में तो रूह कहीं और। कहाँ हो वलीद? ये काली आंखों वाली भी खुदा की रकीब है अबू ज़ुबैद। दाई जान की भी क्या पसंद है। आओ शायर, देखते हैं दाई जान क्या खबर लाती है। देख लेना, दाई जान जो खबर लाएगी वो तुम्हारे अशार का भी जादू तोड़ देंगे। मैं समझ गया। जवाब भी क्या शायराना है। वलीद की इख्तिदा करना हराम है। उसकी इख्तिदा करना जिसके तुम पागल हो, क्या ये शिर्क नहीं? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं। तुम काफिये में खो गए शायद, तुम खो गए। तुम्हारे पुराने अशआर तुम्हें मुबारक हो। मुझे दीवान मिल गया है, जिंदो सरशार, हजारों आशिकों के दिल का मरहम। मजनून इराकी का दीवान? नहीं, कूफे की शहजादी का दीवान। फुरहाद जितनी लंबी गजलों वाला, दो काली आंखों के साथ। मेरी गजलों की फुरहाद जारी है, काली आंखों के अशआर के साथ।
तुम कहो तो मैं अपनी गजलों को जला दूं। फिर कूद गए हो पानी में? फुरात का पानी है दाई जान, रूह को ताजा कर देता है। खाना क्या बनाया? सब्जी का दलिया। घर की बेगम ने बनाया? नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसके हाथ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कुताम का उसे पता चल गया? हाँ, औरत देहाती हो और वो मर्द को ना पहचाने, फिर मेरे ख्याल से उसकी जगह तनूर में होनी चाहिए। कुत्ते की तरह सूंघती रहती है और हर चीज पर शक करती है। वो तुम्हें बहुत चाहती है। मुझे उसके खानों पर शक है। मार डालूंगा मैं तुझे चुड़ैल। काश कि तुम ऐसा कर सकते। हाथ रोक लो अपना, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने इसके सारे खानदान पर थूक दिया है। फकत खानदान ही पर नहीं, मेरी जवानी पर भी थूक दिया है दाई। मैं कहता हूँ तू चली जा, चली जा। मैं चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? मुझे कहाँ जाना चाहिए? बड़ी देर से इजाजत दी है वलीद, अब मुझे यहीं रहना है। तुम मुझ पर थूकते भी हो? तेरी हवस पूरी नहीं हुई, अब मैं यहीं रहूंगी ताकि तेरे झूठे इश्क करने वालों में जहर मिला सकूं। सूंघ के देख, अभी तक उन ऊंटों की बू आ रही है जिस पर तूने मुझे झूठे वादे देकर अपने काफले से उठाकर लाया था। अपने आप पर थूक ले यश। मैं एक सीधी सादी देहाती लड़की थी जो दिन में हजारों बार तेरी झूठी मोहब्बत के रंगीन वादों में रंगती गई। अब मैं कहां जाऊं? अब उस हजारों दुल्हन के महल में मेरी कोई हैसियत नहीं और ना ही मेरी झोपड़ी में रहने वाले मुझे पहचानेंगे। आखिर किस बात से परेशान हो? अपने नसीब से। देख रही हो मैं कितने साल की हूं? तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, दसियों दुल्हनों के मैंने खुद अपने हाथों से बाल सवारे, खुशबू लगाई और इसके लिए तैयार किया। लेकिन इसकी हर करवट में एक नई हवस उभरती है। खुदाम अब इसकी नई हवस है। ये अमीर लोग अपनी बीवियों के लिए सबसे झूठे मर्द हैं। उनके पास इश्क नहीं होता बल्कि रियासत से पुर दिल है। अब खुतामा को भी मेरी तरह बर्बाद न करना। वलीद ने इख्तिलाफ का बीज बो दिया है। कूफे की कौमें आज एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हैं। अबा खुताम अशस्किंदी जैसे वलीद के सिक्कों पर बिक गए हैं। कौम अज़द और असद लड़ने के लिए मोर्चे बना लिए हैं। अबू मूसा अशअरी कभी इनको बुरा कहते हैं तो कभी उनको। मालिक अस्तर कभी वलीद के मुखालिफ हो जाते हैं तो कभी उसके साथ। कूफा अब टुकड़ों में बट गया है।
अगर इस फितने का बानी फौरन नाबूद न हो तो बाप बेटे पर और भाई भाई पर तलवार उठाएगा अबा खुदा। कूफा तबाह होने से पहले हमें कुछ न कुछ करना होगा। शेख क्यों हक को छुपा रहे? फितने के बानियों में एक तो ये शेख हैं, वो अली से मिले हुए हैं। दीनी तबलीग के बहाने वो अली के मुबल्लिग हैं। अली के मानने वाले बैत नहीं तोड़ते अबा खुदा। बिलाशक वो उस्मान के बाद खुद को खलीफा समझते हैं। उनकी खामोशी में हजारों राज हैं। उस्मान को हटाने में वो शरीक नहीं होंगे। तुम अली को साजिशकार समझते हो? खलीफा की बिदअतों पर अली की खामोशी क्या माना रखती है? अली और उस्मान ये दोनों अब्दुल मुनाफ की आल से हैं और ये दोनों खुरैश हैं। इसके अलावा अली की खामोशी की एक और दलील भी है। वो उमर की शूरा में उस्मान के रकीब थे। अली जैसे दूरंदेश से बईद है कि खतरा मोल लें और खलीफा के खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें खिलाफत से हटा दें। इसलिए कि लोग उस्मान के बाद अली की खिलाफत पर शक करेंगे और कहेंगे कि खुद अली ने खिलाफत पर कब्जा करने के लिए अपने रकीब को हटा दिया। अल्लाहुल आलम। तुम पछता रहे हो? किस बात से? खलीफा की बयत शिकनी के बाद मैंने अपने दीन पर अमल किया है। पछताना कैसा? फिर पक्का इरादा कर लो अबा खुदा, काम तमाम कर देते हैं। खलीफा को हटाने के लिए वलीद और शेख कूफा को हटाना होगा। तुम अपने बेटों के साथ शेख को मारोगे। मैं और मेरे बेटे वलीद का काम तमाम करेंगे। तुम्हें मंजूर है? रुक जाओ, वलीद को हम मारेंगे। तुम वलीद को मारोगे? वलीद का मारना आसान नहीं है। ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। शेख को तुम मारोगे? तुम शेख को क्यों नहीं मारते? जिस वजह से कि तुम उन्हें मारना नहीं चाहते। तुम हमारी वजह जानती हो। वलीद के मानने वाले दुनियादार हैं और शेख के मानने वाले ईमानदार हैं। जो लोग शेख के साथ हैं वो उनसे अकीदत रखते हैं और जो लोग वलीद के साथ हैं वो सब खजाने के लालची हैं। अगर शेख मारे गए तो उनके मानने वाले किसास लिए बगैर नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वलीद मारा गया, कूफे का खजाना तो है, तो शायद ही कूफे में वलीद का कोई खूखा होगा। वलीद का खूंखा? वलीद के खून का खिसास खलीफा उस्मान लेंगे। खलीफा मदीने में है ना, कि कूफे में? जल्लल खाले ये लड़की आदमी है या परी अबा खुताम? चलो कबूल है,
शेख को हम लोग मारेंगे। किसास का क्या करोगे? शेख ऐसे मारे जाएंगे कि किसी को हम पर शक नहीं होगा। तुम वलीद को किस तरह मारोगी? वलीद को उसका कोई करीबी कत्ल करेगा। جلال خالق वलीद, तुझे अपने तीरे इश्क से मारूंगी, अपनी नफरत के वार से। निकल जा, कूफा हमारा है। जिंदा है? कूफे की शहजादी और बेखबर। आजकल तुम्हारी आंखें धुंधला देख रही हैं और तुम्हारे कान ऊंचा सुन रहे हैं और कुछ दिनों से बिल्कुल खोई खोई रहती हो। हमेशा यही सवाल हम तुमसे क्या करते थे। क्या बात है? बता दूं तो तुम्हारा खून खौल जाएगा और तुम कुछ कर बैठोगे। बताओ क्यों खौफज़दा हो? शेख कूफा की फातिहा पढ़ो। मर गए? काश मर गए होते, हमें भी कोई परेशानी ना होती। ये मुर्दा परस्त कूफे वाले मरे हुए शेख को ज्यादा मानते हैं। अब सामान समेटो कुताम, शायद हमें कूफा छोड़ना पड़ जाए। शेख को जिला वतन कर दिया गया। कुताम, फिर वो जश्न, शादी की रस्में और वलीमे के पकवान का क्या होगा? तूने ख्वाब देखा था कि तू दुल्हन बनेगी। तुम चुप रहो बहन, औरत का ख्वाब झूठा होता है। इतने बच्चों के साथ दर बदरी, एक हाथ में, एक गोद में, एक पीठ पर और एक पेट में, इससे बेहतर तो जिंदा बगौर होना था। हाय खाक हो सर पर। शोर ना करो, तुम औरतों को तो बक बक करना और बच्चे जन्ना आता है। जी चाहता है तो और भी बेटे जनो। अगर शेख कूफा से चले गए तो वलीद बैत शिकनों के पीछे पड़ जाएगा। वलीद हमारा दुश्मन तो है ही, शेख को भगाकर हमको कुचल डालेगा। हमारी भी अजीब हालत है। डरपोक लालची कूफे वाले आज या शेख कह रहे हैं, कल वलीद की एक आंख दिखाने पर हमें भी बेच डालेंगे। देर होने से पहले हमें भी कूफा छोड़ देना चाहिए। अगर कूफे में रहें तो वलीदियों से नहीं बच सकते। इब्ने वहाब जलील, कमीना कहीं का, उसे पता था कि शेख की जिलावतनी का हुक्म आ चुका है। जब ही तो हमें शेख को मारने पर उभार रहा था, जानते हुए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तो मजबूरन हमें वलीद को मारना पड़ेगा। हम फरेब खा गए। कहाँ वो खुताम? उसकी गर्दन उड़ाने के लिए। कुछ भी तो नहीं हुआ, क्यों परेशान हो? कुछ भी नहीं हुआ। शेख को शहर बदल करके वलीद अब सबको चीरता फाटा फिरेगा। अपने पंजों पर चलने लगेगा, फिर मैं किस पर भरोसा करूं? यही कूफे वाले जो सुबह और शब की नमाजों में दो दो की इख्तिदा करते हैं, यही दोगले लोग जो हमारी नीयत को अच्छी तरह जानते हैं, कल वलीद के साथ हो जाएंगे।
वलीद अगर हमारी नीयत समझ गया तो हम पर तलवारें चला देगा, तलवारें। किस सबूत पर? किस सबूत पर? सबूत किस चीज का? हम कूफे में वलीद के खुले दुश्मन हैं, और वलीद वो भेड़िया जिसको तुमने मिंबर पर रुस्वा किया, याद नहीं है तुम्हें? हाय अल्लाह, आप जंग का रुख देख रहे हैं, खून और शमशीर, क्यों यकीन नहीं करते कि वलीद जैसो को एक इशारे में मारा जा सकता है? मारो, मार डालो उसको, बकबक क्यों करती हो, मार डालो वलीद को। वलीद मर चुका है, अगर वो जिंदा होता तो तुम लोग उसके खिलाफ बकते हुए कूफे में नहीं फिर सकते थे। मेरा निशाना उसके दिल पे बैठ गया है। तुमने वलीद को ख्वाब में मारा है, ख्याल में? अगर बता दूं तो क्या सुन सकोगे? कह दे कि मैंने गलत सुना है पुतान। मैंने गलत बात नहीं की। बेहया, बेशरम, मैंने तुमको गैरत और हया सिखाई थी। तो क्या यही सिखाया था कि हर दरवाजे की आवाज पर कोठी में घुस जाऊं और मुंह में उंगली दबाकर मर्दों की आवाज में कहूं अलैकुम अस्सलाम? यही सिखाया था कि अपनी माँ की खबर पर जोर जोर से ना रोऊं, बैन ना करूं? खुदा ने मुझे आंखें दी हैं, लेकिन वही देखूं जो आप चाहो, कान से वही सुनूं जो आप कहें? खुद ना देखूं, खुद ना सुनूं? मुझे मालूम था तुम लोग नहीं सुन सकोगे, जब नहीं सुन सकते तो अपने कान बंद कर लो। मैंने वलीद को फासिक समझ के उसके मेंबर को खराब नहीं किया, बल्कि इस तरह मैं वलीद को अपना बनाना चाहती थी। أعوذ بالله من شر الشياطين الرجيم والرجيمة أعوذ بالله من شر التقصير او بدبخت کمینی غیرت دار بھائی اپنی بہن پر تلوار اٹھاتے ہیں یا اپنے بھائی پر ہاں ابا ختام उठो, अपने बेटों से कह दो कि परसों पहले मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया था। ये भी बता दो कि आपने मेरी तरबियत की है, खून और तलवार के अलावा कुछ नहीं सिखाया। इन्हें ये भी बता दो मैं शादी से क्यों भागती हूँ और मेरी जनाना रूह को आपने मार डाला है। मेरी और वलीद की बात लैला और मजनू की कहानी नहीं, बल्कि मजनून और मजनू का किस्सा है। जंगजू औरत नहीं देखी? अगर जिरा मुझ पर हराम है तो मेरी काली आंखें जिरा का काम करती हैं। मेरी जबान तलवार की तरह तेज, अब्रू मेरी कमान, जुल्फे मेरी जंजीर हैं। तुम्हें खूने वलीद चाहिए और मुझे खुदरते वलीद। जब तक तुझ जैसी शैतान रहेगी, यहां से बरकत व रहमत जाती रहेगी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बेहया। आओ मार डालो मुझे। बस करो। तलवार रख दो। ये तुम क्या कर बैठी? ये सब आपकी वजह से हुआ बाखुताम, आपने पिदरी की है, मादरी नहीं। मैं मर्द हूं, पिदरी ही कर सकता था। तो अभी भी पिदरी करो, या कहो वली दुश्मन खुदा से शादी करना हराम है। आपको तो यही कहना आता है ना? या अमीर, अनकरीब कूफे वाले हमारे खिलाफ बगावत कर जाएंगे। शेख को कूफे में रहने पर इसरार कर रहे हैं।
शेख क्या कह रहे हैं? सब्र के लिए कह रहे हैं। फकत सब्र? नहीं, वो कूफियों में इत्तेहाद और तफरका खत्म करने को भी कह रहे हैं। सुना तुमने, कूफियों में इत्तेहाद? फिर हम क्या करें? हुक्म खलीफा नाफिज ना करें? खलीफा का हुक्म बजा लाने में मुश्किल कूफे वाले हैं और मुश्किल कुशा भी कूफे वाले। अगर कुछ लोग शेख के जाने पर राजी हो जाएं, तो राह हमवार हो सकती है। कूफे वालों को आपस में लड़वा कर अगर खलीफा का हुक्म नाफिज करना है और अहले कूफा मुश्किल खड़ी करते हैं, तो जब कुछ चारा भी नहीं है। कूफे की अमनियत खत्म हो जाएगी, तो हुक्म खलीफा नाफिज ना करो। अबू जुबैद का मकसद मैं समझ गया आशिश। कूफियों की आपस में जंग एक जबानी जंग होगी, ना तलवारों की जंग। झगड़े के दरमियान हमारे लोग आ जाएंगे और खूरेजी होने नहीं देंगे। शेख बिरादर कुशी का इरादा रखते हैं। जब शेख अपने मुआफिक और मुखालिफ देखेंगे, तो कूफा छोड़कर वो खुद ही चले जाएंगे। मेरा नजरिया वही है जो सबका। क्या सुम मुंबुकम खड़े हो, तुम भी तो कुछ कहो। इन लोगों की जबान तो तुम हो अशस। जब तक कूफे में सुकून न हो, हमदान की हुकूमत का वादा एक ख्वाब समझो अशस। कूफे के हालात पर नजर रखो वरदान। शेख की बेहुरमती न होने पाए, उन्हें दरूद व सलाम के साथ रुखसत करना। इताअत। अब तुम लोगों को भी अपना काम करना होगा। मैं अपने मुआफिक और मुखालिफ को आमने सामने देखना चाहता हूं। बस आज रात की मोहलत है। अब तुम लोग जा सकते हो।